जिला पंचायत सदस्यों की बैठक पंचायत सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव ने की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सदस्यों ने विकास कार्यों के क्रियान्वयन सहित अपने क्षेत्र में सड़क नाली सहित अन्य समस्याओं को उठाया और मांग की कि शासन के गड्ढे मुक्त योजना के अंतर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए धन उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके कारण सड़कों की स्थिति सुधर नहीं पा रही है, जिस पर सीडीओ ने सदस्यों से अनुमोदन प्रस्तुत करने को कहा है। सड़क है जिसकी रिपोर्ट मिल गई है, वो गड्ढा मुक्ति हुआ लेकिन उसकी रिपोर्ट मिल गई है। और एक चीज और की हम जिला पंचायत सदस्य की बात कर, लेकिन आप लोग गंभीरता से उसको ध्यान नहीं देते। सभी विभागों से यह अनुरोध रहेगा कि आज वाली मीटिंग हो जाएगी, इसके बाद जब भी अगली बैठक होगी तो मीटिंग के पहले एक इसका अनुपालन जरूर भेजवाएं, जो भी कार्यक्रम जारी होती है इसका पहले बार अनुपालन प्रत्येक दशा में 3 दिन पहले मीटिंग के आ जानी चाहिए और संबंधित व्यक्ति के पास भी यहाँ पे खड़े होने के वक्त अनुपालन होनी चाहिए। बिना अनुपालन के कोई ना है अनुपालन नहीं भेजवाते हैं, इसके कुछ लोगों के जो अधिकारी वो संज्ञान नहीं लेते हैं। अभी बैठक के पहले अनिवार्य रूप से अनुपालन आख्या जारी होनी चाहिए, अनुपालन आख्या इस बोर्ड के सभी सदस्यों को भी प्राप्त करेंगे। मार्ग जो है 2 ब्लॉकों को 2 जिलों को जोड़ता है, जो 4-5 वर्षों के गड्ढों में तब्दील है वो आपके गड्ढा मुक्त करने 1.8 लाख वार्ड नंबर 46 अभी तक इसका काम नहीं हो रहा है। कुछ अनेक बार लोग कह रहे हैं कि यह बजट दूसरे विभाग में चला गया। संजय कुमार कोटिया नायक का ब्लॉक बोला है। हेलो, मार्गों के संबंध में बहुत ज्यादा कुछ अनुरोध है, वो एक बार आप एमएस आपको लिख के देते हैं, अपने मार्ग का नाम ब्लॉक कर सकेंगे। पिछले वर्ष का गड्ढा मुक्त समाप्त हो चुका है, ये योजना हमारी दो दिन के अंदर एमएस आपको दे देते हैं, समय इंक्लूड करा देते हैं।